फास्ट 10 और पेन जाते अगर रोमन सोने का शोरूम साथ लेकर नहीं आता। आप उन जिधर भी जाता है उधर चमकता है। हम अंदर अटक गए। ये एक चाल है, एक बॉम्ब है। तो आज हम क्या उड़ाने वाले हैं? क्या द वैटिकन? वाओ, तुम सारे नर्क में जाओगे। सीट बेल्ट अच्छे से बांध लेना। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो
इसकी बाकी दो सिक्वल फिल्मों का हाल और खराब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट एंड के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है। विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले कोई ऐसी फूगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही ख़त्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की 5वीं फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। यह फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और यह सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इसकी कहानी है। वहाँ उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के पुनरावलोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखे हुए है। यह कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी। इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूँ पहुँचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डॉम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है। उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली दो कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। हूवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है।
बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है, जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटेवा अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेस की एंट्री होती है, जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट लिया तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, एक्शन सीन के मुरीद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है, समझ नहीं आ रहा क्यों, ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है, मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की 5वीं फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस। डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हारन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक मकसद है डोमिनिक टोरेंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है, यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं, इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स। उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई, डोमिनिक टोरेंटो उससे 2 कदम आगे की चीज है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियां और जला देता है। एक और है, डोमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है, मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिकल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती।
और टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है। उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी वेटिकन सिटी उड़ाई जानी थी उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज़ ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है या उन्होंने भी अपने दर्शकों को फार ग्रांटेड ले रखा है। इस फिल्म की स्टारकास्ट नंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डीजल भाई के साथ मिशेल रेडिग्रेज, टायरीन गिब्स, लुडेक्रिस जॉनसीना, नॉटली एमिन्यूएल, सुंग कांग, ब्री लासर, चार्लीज थेरान, जेसन स्टेदम और रीटा मरेनो जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तकरीबन इस फिल्म सबके हिस्से एक एक सीन तो हैं। सीन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है मगर ये सब लोग लिटरली इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं क्योंकि इनका काम हर सही गलत को विन डीजल को सपोर्ट करना है। जोसन मोमोआ इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म में कुछ अलग करते हैं। उन्होंने दांते का रोल किया है, पिक्चर के विलन हैं, क्या मजेदार काम किया है। फुल मौज लेते हुए यह किरदार एक साइकोपैथ है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो लोगों को चाकू से मारता है और चाट कर चाकू साफ कर देता है। मरे हुए लोगों के साथ बैठकर बतियाता रहता है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी उस रोल को 10 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है मगर वो भी फिल्म को बचाने के लिए नाकाफी साबित होता है। फास्ट एक्स बिना आत्मा वाली सीन है। इसमें ना कोई कहानी है और ना कोई इमोशनल एंगल, ना लॉजिक, ना साइंस, ना आर्ट, सब देखना है। इन खामियों के बावजूद कॉमर्स ने इसके कितने नंबर आते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को वाकई अपना फैमिली मैटर निपटा कर जीवन में फास्ट एंड फ्यूरियस यानी फुल एंड फाइनल आगे बढ़ाना चाहिए। हो गया अभी, मगर अभी इस फिल्म का एक पार्ट और आना है जो कि 2025 में रिलीज होगा, इसलिए फास्ट एक्स क्लि हैंगर के साथ खत्म होती है। मगर इसे लेकर मन में कोई उत्सुकता नहीं पैदा होता। किसी कहानी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप उसे 90% ख़त्म करने के बावजूद ये नहीं जानना चाहते कि उसका अंत कैसे होता है। 1 सितंबर में जवान की एडवांस बुकिंग वाली खिड़की खुल चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात के शो हैं। जवान को लेकर मच रहे पूरे हल्ले के बीच शाहरुख खान के फैंस भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। पिंक बिला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एसआरके यूनिवर्स नाम का फैन क्लब जवान के पहले दिन 300 शहरों में स्क्रीन का जुगाड़ कर रहा है। फिल्म की कहानी फास्ट फाइव से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है और पता लगता है कि ड्रग हॉर्न हैंड्रेस की मौत के वक्त का उसका बेटा डांटे भी साथ था, जो डायनेमिक टोरेटो से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। डांटे डाम और उसके परिवार दोस्तों के लिए एक चाल बिछाता है और धीरे धीरे सब में उसे फंसाने लगते हैं। हालांकि हमेशा की तरह डॉम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आता है। इस दौरान डॉम को क्या परेशानियां सामने आती हैं, कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे धोखा देता है और सबसे ज़रूरी क्या है, उस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशन के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन देखने को मिलते हैं। फिल्म में ना सिर्फ धमाकेदार एक्शन है बल्कि जोसन मोमोआ का ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलन के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं, जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशन से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी इंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमाटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जोसन का ड्रेसिंग भी काफ़ी कूल लगता है, जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफ़ी बेतुकी लगती है
और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है। फैंस को फिल्म में एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक तरह के तोहफे मिलेंगे। 30 नवंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक झलक आपको दोबारा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर देखने को मिलती है, जिसे देखकर इस फिल्म से जुड़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ फिल्म में पॉल वॉकर की बेटी मीटू वॉकर भी एक सीन में नजर आ रही हैं। वहाँ वो जॉन सीना की मदद करती दिखती हैं। यही नहीं, फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी, लेकिन इसका अगला पार्ट भी आएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन अगले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर बीते दिनों सामने आए एक विवाद अफवाह से भी पर्दा उठ जाएगा, हालांकि इसके बारे में अभी कहना स्पॉइलर होगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। या अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेंजिंग पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वही अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चार्जी के फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकार इससे जुड़ते रहे हैं। फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स के साथ इस बार लेखक निर्देशक एक्शन के साथ सनकी खलनायक को लाए हैं। फोकस पारिवारिक कहानी पर है, वही स्ट्रीट रेसिंग के लिए विख्यात यह फिल्म अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। बैर आर लुइस लेटरियर द्वारा निर्देशित फास्ट एक्स ब्रेनलेस है, यानी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं, पर हमेशा की तरह फिल्म अपने धुआंधार एक्शन से मनोरंजन करती है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस स्थित डोमिनिक टोरंटो और पर डैम के घर से उसकी पत्नी लेटी बहन मिया और हमेशा बढ़ने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ खाने की मेज पर होती है, जिन्हें वह परिवार कहता है। इस पर परिवार में शामिल होने वाला उसका बेटा लिटिल बी और डोम की दादी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में उस समय भंग पड़ जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते रियस उनकी ज़िंदगी में दस्तक देता है। उसका मकसद डोम से प्रतिशोध लेना है और उसके परिवार को इतना नुकसान पहुंचाना है ताकि डोम को बहुत तकलीफ हो, भले ही उसके लिए पूरे शहर को नुकसान उठाना पड़े। दाते के बारे में बता दें कि यह फास्ट फाइव के खलनायक और ब्राज़ील के माफिया हर्नान का मनोरोगी बेटा है। डोम और उसके साथियों को हर्नान ने तब मार दिया होता है जब वे ब्यूनन आयर्स में विशालकाय तिजोरी को अपनी कारों के पीछे खींचकर ले जाते हैं। यहाँ पर उस सीन को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। बहरहाल प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते खड़यंत्र के तहत डोम के परिवार को रोम बुला लेता है। वह ऐसे साजिश रचता है जिसकी वजह से डोम और परिजनों को अलग अलग होने पर विवश होना पड़ता है। डोम अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है, दांते के आतंक से उन्हें कैसे बचाता है, कहानी इसी संबंध में है। निर्देशक लुइस लेटरियर ने अपने पहले ट्रांसपोर्टर सीरीज की 2 फिल्में निर्देशित की है। इसके अलावा ए इनक्रेडिबल हल्क, क्लैश ऑफ टाइटेंस और नाउ यू सी मी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फास्ट सीरीज से वह पहली बार जुड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर 2 फिल्म का प्रभाव उन पर नजर आता है। दांते के प्रतिशोध का कारण फिल्म में स्पष्ट है। वह हर मोड़ पर डोम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लिए वह केवल तकनीकी और भाड़े के लोगों पर ही निर्भर करता है। वह डोम के परिवार को चोट पहुंचाकर उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन वह उन मौक़ों को नज़रअंदाज करता है जो उनके साथ आते हैं। ऐसे में यह पीड़ा पहुंचाने में के बजाय अप्रभावी लगते हैं। बहरहाल अगर चरित्र में कमियां हो तो कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि अपने अभिनय से उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। जेसन मोमोआ उसके लिए तैयार नजर आते हैं। दांते को निभाने के लिए उन्होंने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी शैली किरदार को दिलचस्प बनाता है। डोम इस बार परिवार की रट लगाने नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर ना भी हो बाकी किरदार उनके बारे में बात करते दिखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर वह तेजी कार चलाते हैं, दुश्मनों को पटकनी देते नजर आते हैं। फिल्म का एक्शन रोमांचक है, खासतौर पर जब दृश्य में दांते रोम के विस्फोटक गोले को जिस तरह से पूरे शहर में घुमाता है वह एक्शन सीक्वेंस शानदार है। इसके अलावा भी कई एक्शन सीन हैं, हालांकि कई एक्शन दृश्य पिछली फिल्मों के पूर्वाभ्यास की तरह महसूस होते हैं। मसलन हाफ सैंड सॉ में हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कसी का सीक्वेंस, उसी तरह इस बार डोम 2 हेलीकॉप्टर के साथ थे यही काम करते नजर आते हैं, पर उसे पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव होगा। बहरहाल फास्ट एक्स की खास बात यह है कि पिछली 10 फिल्मों के पात्रों को एकत्रित किया गया है।
दरअसल वह अपने पुराने किरदारों को अस्थायी तौर पर मारने का इच्छुक नजर नहीं आता। साइबर आतंकवादी सिफर के रूम में चार्लिस थेरान, डोम के लंबे समय से खोए हुए भाई जैकब के रूम में जॉन सिन्हा, एजेंट लिटिल नोबाडी के रूम में स्कॉट स्टावुड और रॉनी शॉ के रूम में हेलन स्मिरेन सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा ब्री लार्सन को मिस्टर नोबाडी की बेटी के रूप में जोड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह प्रिंचाजी की आखिरी फिल्म है तो बता दें कि बिन डीजल ने पहले सूचित कर दिया है कि फास्ट फिल्में फास्ट 12 के साथ समाप्त हो सकती हैं। फास्ट एक्स के सीक्वल में ड्वेन जॉनसन की वापसी होगी, इसकी पुष्टि फिल्म के अंत में कर दी गई है। इसमें कई सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं जिनके जवाब संभवतः सीक्वल के मिलने की संभावना है। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और ख़राब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट 10 के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है, विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले कोई ऐसी फूगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही ख़त्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की 5वीं फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। यह फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और यह सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इसकी कहानी है। वहाँ उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के पुनरावलोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखे हुए है। यह कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी।
इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूं पहुंचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डाम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है। उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली 2 कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। हूवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है, जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटे व अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेस की एंट्री होती है जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है यह आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट लिया तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, एक्शन सीन के मुरीद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है, समझ नहीं आ रहा क्यों, ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है, मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की 5वीं फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस,
डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हार्नन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक ही मकसद है डेमनिक टोरेंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है, यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं, इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स, उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई, डेमिनिक टेरेंटो उससे 2 कदम आगे की चीज है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियां और जला देता है। एक और है, डेमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है, मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिगल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती। वो टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है, उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी बेटिगल सिटी उड़ाई जानी थी, उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं, अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है, या उन्होंने भी अपने दर्शकों को फार ग्रांटेड ले रखा है। इस फिल्म की स्टारकास्ट नंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डीजल भाई के साथ मिशेल रेडिग्रेज, टायरीन गिब्स, लुडेक्रिस जॉन सीना, नॉटली एमिन्यूएल, सुंग कांग, ब्री लासर, चार्लीज थेरान, जेसन स्टेडम और रीटा मरेनो जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तकरीबन इस फिल्म सबके हिस्से एक एक सीन तो हैं, सीन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, मगर ये सब लोग लिटरली इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, क्योंकि इनका काम हर सही गलत को विन डीजल को सपोर्ट करना है। जोसन मोमोआ इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म में कुछ अलग करते हैं। उन्होंने दांते का रोल किया है, पिक्चर के विलन हैं, क्या मजेदार काम किया है। फुल मौज लेते हुए यह किरदार एक साइकोपैथ है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो लोगों को चाकू से मारता है और चाट कर चाकू साफ कर देता है। मरे हुए लोगों के साथ बैठकर बतियाता रहता है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी उस रोल को 10 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है, मगर वो भी फिल्म को बचाने के लिए नाकाफी साबित होता है। फास्ट एक्स बिना आत्मा वाली सीन है। इसमें ना कोई कहानी है और ना कोई इमोशनल एंगल, ना लॉजिक, ना साइंस, ना आर्ट, सब देखना है। इन खामियों के बावजूद कॉमर्स ने इसके कितने नंबर आते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को वाकई अपना फैमिली मैटर निपटा कर जीवन में फास्ट एंड फ्यूरियस यानी फुल एंड फाइनल आगे बढ़ाना चाहिए। हो गया अभी, मगर अभी इस फिल्म का एक पार्ट और आना है जो कि 2025 में रिलीज होगा, इसलिए फास्ट एक्स क्ली हैंगर के साथ खत्म होती है। मगर इसे लेकर मन में कोई उत्सुकता नहीं पैदा होता। किसी कहानी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप उसे 90% ख़त्म करने के बावजूद ये नहीं जानना चाहते कि उसका अंत कैसे होता है। 1 सितंबर में जवान की एडवांस बुकिंग वाली खिड़की खुल चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात के सो हैं। जवान को लेकर मच रहे पूरे हल्ले के बीच शाहरुख खान के फैंस भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। पिंक बिला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक SRK यूनिवर्स नाम का फैन क्लब जवान के पहले दिन 300 शहरों में स्क्रीन का जुगाड़ कर रहा है। फिल्म की कहानी फास्ट 5 से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है और पता लगता है कि ड्रग हॉर्न हायन रेस की मौत के वक्त का उसका बेटा डांटे भी साथ था, जो डायनेमिक टोरेटो से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। डांटे डॉम और उसके परिवार दोस्तों के लिए एक चाल बिछाता है और धीरे धीरे सब में उसे फंसाने लगते हैं। हालांकि हमेशा की तरह डॉम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आता है। इस दौरान डॉम को क्या परेशानियां सामने आती हैं, कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे धोखा देता है और सबसे ज़रूरी क्या है, उस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशन के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन देखने को मिलते हैं। फिल्म में ना सिर्फ धमाकेदार एक्शन है बल्कि जोसन मोमोआ का ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलन के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशन से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी इंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमाटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जोसन का ड्रेसिंग भी काफ़ी कूल लगता है जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफ़ी बेतुकी लगती है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है। फैंस को फिल्म में एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक तरह के तोहफे मिलेंगे। 30 नवंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक झलक आपको दोबारा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर देखने को मिलती है जिसे देखकर इस फिल्म से जुड़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ फिल्म में पॉल वॉकर की बेटी मीटू वॉकर भी एक सीन में नजर आ रही हैं। वहाँ वो जॉन सीना की मदद करती दिखती हैं। यही नहीं, फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी, लेकिन इसका अगला पार्ट भी आएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन अगले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर बीते दिनों सामने आए एक विवाद अफवाह से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी कहना स्पॉइलर होगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। या अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेंजिंग पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वही अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चार्जी के फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकार इससे जुड़ते रहे हैं। फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स के साथ इस बार लेखक निर्देशक एक्शन के साथ सनकी खलनायक को लाए हैं। फोकस पारिवारिक कहानी पर है, वही स्ट्रीट रेसिंग के लिए विख्यात यह फिल्म अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। बैर आर लुइस लेटरियर द्वारा निर्देशित फास्ट एक्स ब्रेनलेस है, यानी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं, पर हमेशा की तरह फिल्म अपने धुआंधार एक्शन से मनोरंजन करती है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस स्थित डोमिनिक टोरंटो और पर डैम के घर से उसकी पत्नी लेटी, बहन मिया और हमेशा बढ़ने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ खाने की मेज पर होती है जिन्हें वह परिवार कहता है। इस पर परिवार में शामिल होने वाला उसका बेटा लिटिल बी और डोम की दादी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में उस समय भंग पड़ जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते रियस उनकी ज़िंदगी में दस्तक देता है। उसका मकसद डोम से प्रतिशोध लेना है और उसके परिवार को इतना नुकसान पहुंचाना है ताकि डोम को बहुत तकलीफ हो, भले ही उसके लिए पूरे शहर को नुकसान उठाना पड़े। दाते के बारे में बता दें कि यह फास्ट फाइव के खलनायक और ब्राज़ील के माफिया हर्नान का मनोरोगी बेटा है। डोम और उसके साथियों को हर्नान ने तब मार दिया होता है जब वे ब्यूनन आयर्स में विशालकाय तिजोरी को अपनी कारों के पीछे खींचकर ले जाते हैं। यहाँ पर उस सीन को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। बहरहाल प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते खड़यंत्र के तहत डोम के परिवार को रोम बुला लेता है। वह ऐसे साजिश रचता है जिसकी वजह से डोम और परिजनों को अलग अलग होने पर विवश होना पड़ता है। डोम अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है, दांते के आतंक से उन्हें कैसे बचाता है, कहानी इसी संबंध में है। निर्देशक लुइस लेटरियर ने अपने पहले ट्रांसपोर्टर सीरीज की 2 फिल्में निर्देशित की है। इसके अलावा ए इनक्रेडिबल हल्क, क्लैश ऑफ टाइटेंस और नाउ यू सी मी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फास्ट सीरीज से वह पहली बार जुड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर 2 फिल्म का प्रभाव उन पर नजर आता है। दांते के प्रतिशोध का कारण फिल्म में स्पष्ट है। वह हर मोड़ पर डोम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लिए वह केवल तकनीकी और
भाड़े के लोगों पर ही निर्भर करता है। वह डॉम के परिवार को चोट पहुंचाकर उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन वह उन मौक़ों को नज़रअंदाज करता है जो उनके साथ आते हैं। ऐसे में यह पीड़ा पहुंचाने में के बजाय अप्रभावी लगते हैं। बहरहाल, अगर चरित्र में कमियां हो तो कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि अपने अभिनय से उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। जेसन मोमोआ उसके लिए तैयार नज़र आते हैं। दांते को निभाने के लिए उन्होंने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी शैली किरदार को दिलचस्प बनाता है। डॉम इस बार परिवार की रट लगाने नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर ना भी हो बाकी किरदार उनके बारे में बात करते दिखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर वह तेजी कार चलाते हैं, दुश्मनों को पटकनी देते नजर आते हैं। फिल्म का एक्शन रोमांचक है, खासतौर पर जब दृश्य में तांते रोम के विस्फोटक गोले को जिस तरह से पूरे शहर में घुमाता है वह एक्शन सीक्वेंस शानदार है। इसके अलावा भी कई एक्शन सीन हैं। हालांकि कई एक्शन दृश्य पिछली फिल्मों के पूर्वाभ्यास की तरह महसूस होते हैं, मसलन हाफ सैंड सॉ में हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कसी का सीक्वेंस, उसी तरह इस बार डॉम दो हेलीकॉप्टर के साथ थे यही काम करते नजर आते हैं, पर उसे पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव होगा। बहरहाल, फास्ट एक्स की खास बात यह है कि पिछली 10 फिल्मों के पात्रों को एकत्रित किया गया है। दरअसल वह अपने पुराने किरदारों को अस्थायी तौर पर मारने का इच्छुक नज़र नहीं आता। साइबर आतंकवादी सिफर के रूप में चार्लिस थेरान, डॉम के लंबे समय से खोए हुए भाई जैकब के रूप में जॉन सीना, एजेंट लिटिल नोबाडी के रूप में स्कॉट स्टावर्ड और रॉनी शो के रूप में हेलन स्मिरेन सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा ब्री लॉसन को मिस्टर नोबाडी की बेटी के रूप में जोड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है तो बता दें कि विन डीजल ने पहले सूचित कर दिया है कि फास्ट फिल्में फास्ट 12 के साथ समाप्त हो सकती हैं। फास्ट एक्स के सीक्वल में ड्वेन जॉनसन की वापसी होगी, इसकी पुष्टि फिल्म के अंत में कर दी गई है। इसमें कई सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं जिनके जवाब संभवतः सीक्वल के मिलने की संभावना है। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और ख़राब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट 10 के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है, विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले कोई ऐसी फूगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही ख़त्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की 5वीं फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। यह फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और यह सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इसकी कहानी है।
वहाँ उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के पुनरावलोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखी हुई है। ये कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी। इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूँ पहुँचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डॉम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है। उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली 2 कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। हूवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटे व अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेस की एंट्री होती है जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं।
लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट ली है तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, एक्शन सीन के मुरीद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है, समझ नहीं आ रहा क्यों, ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है, मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की 5वीं फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस। डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हारन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक ही मकसद है, डेमनिक टोरेंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है, यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं, इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स। उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई, डेमिनिक टेरेंटो उससे 2 कदम आगे की चीज है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियां और जला देता है। एक और है, डेमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है, मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिकल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती। वो टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है, उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी बेटिकल सिटी उड़ाई जानी थी, उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं, अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है, या उन्होंने भी अपने दर्शकों को फार ग्रांटेड ले रखा है। इस फिल्म की स्टारकास्ट नंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डीजल भाई के साथ मिशेल रेडिग्रेज, टायरीन गिब्स, लुडेक्रिस, जॉन सीना, नॉटली एमिन्यूएल, सुंग कांग, ब्री लासर, चार्लीज थेरान, जेसन स्टेदम और रीटा मरेनो जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तकरीबन इस फिल्म सबके हिस्से एक एक सीन तो हैं। सीन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, मगर ये सब लोग लिटरली इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, क्योंकि इनका काम हर सही गलत को विन डीजल को सपोर्ट करना है। जोसन मोमोआ इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म में कुछ अलग करते हैं। उन्होंने दांते का रोल किया है, पिक्चर के विलन हैं, क्या मजेदार काम किया है। फुल मौज लेते हुए यह किरदार एक साइकोपैथ है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो लोगों को चाकू से मारता है और चाट कर चाकू साफ कर देता है। मरे हुए लोगों के साथ बैठकर बतियाता रहता है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी उस रोल को 10 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है, मगर वो भी फिल्म को बचाने के लिए नाकाफी साबित होता है। फास्ट एक्स बिना आत्मा वाली सीन है।
इसमें ना कोई कहानी है और ना कोई इमोशनल एंगल, ना लॉजिक, ना साइंस, ना आर्ट, सब देखना है। इन खामियों के बावजूद कॉमर्स ने इसके कितने नंबर आते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को वाकई अपना फैमिली मैटर निपटा कर जीवन में फास्ट एंड फ्यूरियस यानी फुल एंड फाइनल आगे बढ़ाना चाहिए। हो गया अभी, मगर अभी इस फिल्म का एक पार्ट और आना है जो कि 2025 में रिलीज होगा, इसलिए फास्ट एक्स क्लि हैंगर के साथ खत्म होती है। मगर इसे लेकर मन में कोई उत्सुकता नहीं पैदा होता। किसी कहानी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप उसे 90% ख़त्म करने के बावजूद ये नहीं जानना चाहते कि उसका अंत कैसे होता है। 1 सितंबर में जवान की एडवांस बुकिंग वाली खिड़की खुल चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात के सो हैं जवान को लेकर मच रहे पूरे हल्ले के बीच शाहरुख खान के फैंस भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। पिंक बिला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक SRK यूनिवर्स नाम का फैन क्लब जवान के पहले दिन 300 शहरों में स्क्रीन का जुगाड़ कर रहा है। फिल्म की कहानी फास्ट 5 से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है और पता लगता है कि ड्रग हॉर्न हायन रेस की मौत के वक्त का उसका बेटा डांटे भी साथ था, जो डायनेमिक टोरेटो से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। डांटे डाम और उसके परिवार दोस्तों के लिए एक चाल बिछाता है और धीरे धीरे सब में उसे फंसाने लगते हैं। हालांकि हमेशा की तरह डॉम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आता है। इस दौरान डॉम को क्या परेशानियां सामने आती हैं, कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे धोखा देता है और सबसे ज़रूरी क्या है, उस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशन के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन देखने को मिलते हैं। फिल्म में ना सिर्फ धमाकेदार एक्शन है बल्कि जोसन मोमोआ का ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलन के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं, जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशन से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी इंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमाटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जोसन का ड्रेसिंग भी काफ़ी कूल लगता है, जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफ़ी बेतुकी लगती है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है। फैंस को फिल्म में एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक तरह के तोहफे मिलेंगे। 30 नवंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक झलक आपको दोबारा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर देखने को मिलती है, जिसे देखकर इस फिल्म से जुड़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ फिल्म में पॉल वॉकर की बेटी मीटू वॉकर भी एक सीन में नजर आ रही हैं। वहाँ वो जॉन सीना की मदद करती दिखती हैं। यही नहीं, फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी, लेकिन इसका अगला पार्ट भी आएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन अगले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर बीते दिनों सामने आए एक विवाद अफवाह से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी कहना स्पॉइलर होगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। या अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेंजिंग पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वही अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चार्जी के फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकार इससे जुड़ते रहे हैं। फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स के साथ इस बार लेखक निर्देशक एक्शन के साथ सनकी खलनायक को लाए हैं। फोकस पारिवारिक कहानी पर है, वही स्ट्रीट रेसिंग के लिए विख्यात यह फिल्म अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। बैर आर लुइस लेटरियर द्वारा निर्देशित फास्ट एक्स ब्रेनलेस है, यानी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं, पर हमेशा की तरह फिल्म अपने धुआंधार एक्शन से मनोरंजन करती है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस स्थित डोमिनिक टोरंटो और पर डैम के घर से उसकी पत्नी लेटी, बहन मिया और हमेशा बढ़ने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ खाने की मेज पर होती है, जिन्हें वह परिवार कहता है। इस पर परिवार में शामिल होने वाला उसका बेटा लिटिल बी और डोम की दादी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में उस समय भंग पड़ जाता है
प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते रियास उनकी जिंदगी में दस्तक देता है। उसका मकसद डोम से प्रतिशोध लेना है और उसके परिवार को इतना नुकसान पहुंचाना है ताकि डोम को बहुत तकलीफ हो, भले ही उसके लिए पूरे शहर को नुकसान उठाना पड़े। दांते के बारे में बता दें कि यह फास्ट फाइव के खलनायक और ब्राजील के माफिया हर्नान का मनोरोगी बेटा है। डोम और उसके साथियों को हर्नान ने तब मार दिया होता है जब वे ब्यूनन आयर्स में विशालकाय तिजोरी को अपनी कारों के पीछे खींचकर ले जाते हैं। यहाँ पर उस सीन को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। बहरहाल प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते खड़यंत्र के तहत डोम के परिवार को रोम बुला लेता है। वह ऐसे साजिश रचता है जिसकी वजह से डोम और परिजनों को अलग अलग होने पर विवश होना पड़ता है। डोम अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है, दांते के आतंक से उन्हें कैसे बचाता है, कहानी इसी संबंध में है। निर्देशक लुइस लेटरियर ने अपने पहले ट्रांसपोर्टर सीरीज की दो फिल्में निर्देशित की है। इसके अलावा ए इनक्रेडिबल हल्क, क्लैश ऑफ टाइटेंस और नाउ यू सी मी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फास्ट सीरीज से वह पहली बार जुड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर 2 फिल्म का प्रभाव उन पर नजर आता है। दांते के प्रतिशोध का कारण फिल्म में स्पष्ट है। वह हर मोड़ पर डोम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लिए वह केवल तकनीकी और भाड़े के लोगों पर ही निर्भर करता है। वह डोम के परिवार को चोट पहुंचाकर उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन वह उन मौक़ों को नज़रअंदाज करता है जो उनके साथ आते हैं। ऐसे में यह पीड़ा पहुंचाने में कोई बजाय अप्रभावी लगते हैं। बहरहाल अगर चरित्र में कमियां हो तो कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि अपने अभिनय से उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। जेसन मोमोआ उसके लिए तैयार नज़र आते हैं। दांते को निभाने के लिए उन्होंने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी शैली किरदार को दिलचस्प बनाता है। डोम इस बार परिवार की रट लगाने नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर ना भी हो बाकी किरदार उनके बारे में बात करते दिखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर वह तेजी कार चलाते हैं, दुश्मनों को पटकनी देते नजर आते हैं। फिल्म का एक्शन रोमांचक है, खासतौर पर जब दृश्य में दांते रोम के विस्फोटक गोले को जिस तरह से पूरे शहर में घुमाता है वह एक्शन सीक्वेंस शानदार है। इसके अलावा भी कई एक्शन सीन हैं। हालांकि कई एक्शन दृश्य पिछली फिल्मों के पूर्वाभ्यास की तरह महसूस होते हैं, मसलन हाफ सैंड सॉ में हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कसी का सीक्वेंस, उसी तरह इस बार डोम 2 हेलीकॉप्टर के साथ थे यही काम करते नजर आते हैं, पर उसे पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव होगा। बहरहाल फास्ट एक्स की खास बात यह है कि पिछली 10 फिल्मों के पात्रों को एकत्रित किया गया है। दरअसल वह अपने पुराने किरदारों को अस्थायी तौर पर मारने का इच्छुक नज़र नहीं आता। साइबर आतंकवादी सिफर के रूप में चार्लिस थेरान, डोम के लंबे समय से खोए हुए भाई जैकब के रूप में जॉन सिना, एजेंट लिटिल नोबाडी के रूप में स्कॉट स्टावर्ड और रॉनी शॉ के रूप में हेलन स्मिरेन सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा ब्री लार्सन को मिस्टर नोबाडी की बेटी के रूप में जोड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है तो बता दें कि विन डीजल ने पहले सूचित कर दिया है कि फास्ट फिल्में फास्ट 12 के साथ समाप्त हो सकती हैं। फास्ट एक्स के सीक्वल में ड्वेन जॉनसन की वापसी होगी, इसकी पुष्टि फिल्म के अंत में कर दी गई है। इसमें कई सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं जिनके जवाब संभवतः सीक्वल के मिलने की संभावना है। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और ख़राब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट 10 के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है, विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले
कोई शिफ्ट होगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही ख़त्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की पांचवी फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। यह फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और यह सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इसकी कहानी है। वहाँ उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के पुनरावलोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखे हुए है। यह कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी। इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूँ पहुँचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डॉम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है। उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली दो कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। होवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक
खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटेवा अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेस की एंट्री होती है जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट लिया तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, एक्शन सीन के मुरीद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है, समझ नहीं आ रहा क्यों, ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है, मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की 5वीं फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस। डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हारन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक ही मकसद है डोमिनिक टोरंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है, यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं, इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स। उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई, डोमिनिक टोरंटो उससे 2 कदम आगे की चीज है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियां और जला देता है। एक और है, डोमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है, मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिगल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती। वो टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है, उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी बेटिगल सिटी उड़ाई जानी थी, उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं, अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है, या उन्होंने भी अपने दर्शकों को
फार ग्रांटेड ले रखा है। इस फिल्म की स्टार कास्ट नंग है तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डीजल भाई के साथ मिशेल रेडिग्रेज, टायरिन गिब्स, लुडेक्रिस जॉनसीना, नॉटली एमिन्यूएल, सुंग कांग, ब्री लासर, चार्लीज थेरान, जेसन स्टेदम और रीटा मरेनो जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तकरीबन इस फिल्म सबके हिस्से एक एक सीन तो हैं। सीन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, मगर ये सब लोग लिटरली इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, क्योंकि इनका काम हर सही गलत को बिन डीजल को सपोर्ट करना है। जोसन मोमोआ इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म में कुछ अलग करते हैं। उन्होंने दांते का रोल किया है, पिक्चर के विलन हैं, क्या मजेदार काम किया है। फुल मौज लेते हुए यह किरदार एक साइकोपैथ है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो लोगों को चाकू से मारता है और चाट कर चाकू साफ कर देता है। मरे हुए लोगों के साथ बैठकर बतियाता रहता है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी उस रोल को 10 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है, मगर वो भी फिल्म को बचाने के लिए नाकाफी साबित होता है। फास्ट एक्स बिना आत्मा वाली सीन है। इसमें ना कोई कहानी है और ना कोई इमोशनल एंगल, ना लॉजिक, ना साइंस, ना आर्ट, सब देखना है। इन खामियों के बावजूद कॉमर्स ने इसके कितने नंबर आते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को वाकई अपना फैमिली मैटर निपटा कर जीवन में फास्ट एंड फ्यूरियस यानी फुल एंड फाइनल आगे बढ़ाना चाहिए। हो गया अभी, मगर अभी इस फिल्म का एक पार्ट और आना है जो कि 2025 में रिलीज होगा, इसलिए फास्ट एक्स क्लि हैंगर के साथ खत्म होती है। मगर इसे लेकर मन में कोई उत्सुकता नहीं पैदा होता। किसी कहानी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप उसे 90% ख़त्म करने के बावजूद ये नहीं जानना चाहते कि उसका अंत कैसे होता है। 1 सितंबर में जवान की एडवांस बुकिंग वाली खिड़की खुल चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात के शो हैं। जवान को लेकर मच रहे पूरे हल्ले के बीच शाहरुख खान के फैंस भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। पिंक बिला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एसआरके यूनिवर्स नाम का फैन क्लब जवान के पहले दिन 300 शहरों में स्क्रीन का जुगाड़ कर रहा है। फिल्म की कहानी फास्ट फाइव से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है और पता लगता है कि ड्रग हॉर्न हैंड्रेस की मौत के वक्त का उसका बेटा डांटे भी साथ था, जो डायनेमिक टोरेटो से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। डांटे डाम और उसके परिवार दोस्तों के लिए एक चाल बिछाता है और धीरे धीरे सब में उसे फंसाने लगते हैं। हालांकि हमेशा की तरह डॉम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आता है। इस दौरान डॉम को क्या परेशानियां सामने आती हैं, कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे धोखा देता है और सबसे ज़रूरी क्या है, उस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशन के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन देखने को मिलते हैं। फिल्म में ना सिर्फ धमाकेदार एक्शन है बल्कि जोसन मोमोआ का ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलन के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं, जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशन से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी इंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमाटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जोसन का ड्रेसिंग भी काफ़ी कूल लगता है, जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफ़ी बेतुकी लगती है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है। फैंस को फिल्म में एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक तरह के तोहफे मिलेंगे। 30 नवंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक झलक आपको दोबारा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर देखने को मिलती है, जिसे देखकर इस फिल्म से जुड़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ फिल्म में पॉल वॉकर की बेटी मीटू वॉकर भी एक सीन में नजर आ रही हैं। वहाँ वो जॉनसीना की मदद करती दिखती हैं। यही नहीं, फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी।
लेकिन इसका अगला पार्ट भी आएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन अगले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर बीते दिनों सामने आए एक विवाद अफवाह से भी पर्दा उठ जाएगा, हालांकि इसके बारे में अभी कहना स्पॉइलर होगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। या अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेंजिंग पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वही अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चार्जी के फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकार इससे जुड़ते रहे हैं। फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स के साथ इस बार लेखक निर्देशक एक्शन के साथ सनकी खलनायक को लाए हैं। फोकस पारिवारिक कहानी पर है, वही स्ट्रीट रेसिंग के लिए विख्यात यह फिल्म अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। बैर आर लुइस लेटरियर द्वारा निर्देशित फास्ट एक्स ब्रेनलेस है, यानी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं, पर हमेशा की तरह फिल्म अपने धुआंधार एक्शन से मनोरंजन करती है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस स्थित डोमिनिक टोरंटो और पर डैम के घर से उसकी पत्नी लेटी, बहन मिया और हमेशा बढ़ने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ खाने की मेज पर होती है, जिन्हें वह परिवार कहता है। इस पर परिवार में शामिल होने वाला उसका बेटा लिटिल बी और डोम की दादी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में उस समय भंग पड़ जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते रियस उनकी जिंदगी में दस्तक देता है। उसका मकसद डोम से प्रतिशोध लेना है और उसके परिवार को इतना नुकसान पहुंचाना है ताकि डोम को बहुत तकलीफ हो, भले ही उसके लिए पूरे शहर को नुकसान उठाना पड़े। दाते के बारे में बता दें कि यह फास्ट फाइव के खलनायक और ब्राजील के माफिया हर्नान का मनोरोगी बेटा है। डोम और उसके साथियों को हर्नान ने तब मार दिया होता है जब वे ब्यूनन आयर्स में विशालकाय तिजोरी को अपनी कारों के पीछे खींचकर ले जाते हैं। यहाँ पर उस सीन को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। बहरहाल प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते खड़यंत्र के तहत डोम के परिवार को रोम बुला लेता है। वह ऐसे साजिश रचता है जिसकी वजह से डोम और परिजनों को अलग अलग होने पर विवश होना पड़ता है। डोम अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है, दांते के आतंक से उन्हें कैसे बचाता है, कहानी इसी संबंध में है। निर्देशक लुइस लेटरियर ने अपने पहले ट्रांसपोर्टर सीरीज की 2 फिल्में निर्देशित की है। इसके अलावा ए इनक्रेडिबल हल्क, क्लैश ऑफ टाइटेंस और नाउ यू सी मी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फास्ट सीरीज से वह पहली बार जुड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर 2 फिल्म का प्रभाव उन पर नजर आता है। दांते के प्रतिशोध का कारण फिल्म में स्पष्ट है। वह हर मोड़ पर डोम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लिए वह केवल तकनीकी और भाड़े के लोगों पर ही निर्भर करता है। वह डोम के परिवार को चोट पहुंचाकर उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन वह उन मौक़ों को नज़रअंदाज करता है जो उनके साथ आते हैं। ऐसे में यह पीड़ा पहुंचाने में के बजाय अप्रभावी लगते हैं। बहरहाल अगर चरित्र में कमियां हो तो कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि अपने अभिनय से उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। जेसन मोमोआ उसके लिए तैयार नजर आते हैं। दांते को निभाने के लिए उन्होंने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी शैली किरदार को दिलचस्प बनाता है। डोम इस बार परिवार की रट लगाने नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर ना भी हो बाकी किरदार उनके बारे में बात करते दिखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर वह तेजी कार चलाते हैं, दुश्मनों को पटकनी देते नजर आते हैं। फिल्म का एक्शन रोमांचक है, खासतौर पर जब दृश्य में दांते रोम के विस्फोटक गोले को जिस तरह से पूरे शहर में घुमाता है वह एक्शन सीक्वेंस शानदार है। इसके अलावा भी कई एक्शन सीन हैं, हालांकि कई एक्शन दृश्य पिछली फिल्मों के पूर्वाभ्यास की तरह महसूस होते हैं। मसलन हाफ सैंड सॉ में हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कसी का सीक्वेंस, उसी तरह इस बार डोम 2 हेलीकॉप्टर के साथ थे यही काम करते नजर आते हैं, पर उसे पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव होगा। बहरहाल फास्ट एक्स की खास बात यह है कि पिछली 10 फिल्मों के पात्रों को एकत्रित किया गया है। दरअसल वह अपने पुराने किरदारों को अस्थायी तौर पर मारने का इच्छुक नजर नहीं आता। साइबर आतंकवादी सिफर के रूप में चार्लिस थेरान, डोम के लंबे समय से खोए हुए भाई जैकब के रूप में जॉन सिना, एजेंट लिटिल नोबाडी के रूप में स्कॉट स्टावर्ड और रॉनी शॉ के रूप में हेलन स्मिरेन सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा ब्री लार्सन को
मिस्टर नोबॉडी की बेटी के रूप में जोड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह प्रिंचाजी की आखिरी फिल्म है तो बता दें कि विन डीजल ने पहले सूचित कर दिया है कि फास्ट फिल्म में फास्ट 12 के साथ समाप्त हो सकती हैं। फास्ट एक्स के सीक्वल में ड्वेन जॉनसन की वापसी होगी, इसकी पुष्टि फिल्म के अंत में कर दी गई है। इसमें कई सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं जिनके जवाब संभवतः सीक्वल के मिलने की संभावना है। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और खराब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट 10 के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है, विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले कोई ऐसी फूगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही ख़त्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की 5वीं फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। ये फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और ये सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इसकी कहानी है। वहाँ उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के पुनरावलोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखे हुए है। यह कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी। इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूँ पहुँचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डॉम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है,
उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं। लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली दो कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। हूवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटे व अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेस की एंट्री होती है जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है यह आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट लिया तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं एक्शन सीन के मुरीद हैं फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है समझ नहीं आ रहा क्यों। ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की 5वीं फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस। डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हारन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक ही मकसद है डोमिनिक टोरेंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि
जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स। उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई। डेमिनिक टेरेंटो उससे 2 कदम आगे की चीज है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियां और जला देता है। एक और है, डेमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिकल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती। वो टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है, उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी बेटिकल सिटी उड़ाई जानी थी, उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज़ ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं, अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है, या उन्होंने भी अपने दर्शकों को फार ग्रांटेड ले रखा है। इस फिल्म की स्टारकास्ट नंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डीजल भाई के साथ मिशेल रेडिग्रेज, टायरीन गिब्स, लुडेक्रिस जॉन सीना, नॉटली एमिन्यूएल, सुंग कांग, ब्री लासर, चार्लीज थेरान, जेसन स्टेदम और रीटा मरेनो जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तकरीबन इस फिल्म सबके हिस्से एक एक सीन तो हैं। सीन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है मगर ये सब लोग लिटरली इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, क्योंकि इनका काम हर सही गलत को विन डीजल को सपोर्ट करना है। जोसन मोमोआ इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म में कुछ अलग करते हैं। उन्होंने दांते का रोल किया है, पिक्चर के विलन हैं। क्या मजेदार काम किया है। फुल मौज लेते हुए यह किरदार एक साइकोपैथ है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो लोगों को चाकू से मारता है और चाट कर चाकू साफ कर देता है। मरे हुए लोगों के साथ बैठकर बतियाता रहता है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी उस रोल को 10 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है, मगर वो भी फिल्म को बचाने के लिए नाकाफी साबित होता है। फास्ट एक्स बिना आत्मा वाली सीन है। इसमें ना कोई कहानी है और ना कोई इमोशनल एंगल, ना लॉजिक, ना साइंस, ना आर्ट, सब देखना है। इन खामियों के बावजूद कॉमर्स ने इसके कितने नंबर आते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को वाकई अपना फैमिली मैटर निपटा कर जीवन में फास्ट एंड फ्यूरियस यानी फुल एंड फाइनल आगे बढ़ाना चाहिए। हो गया अभी, मगर अभी इस फिल्म का एक पार्ट और आना है जो कि 2025 में रिलीज होगा। इसलिए फास्ट एक्स क्लि हैंगर के साथ खत्म होती है मगर इसे लेकर मन में कोई उत्सुकता नहीं पैदा होता। किसी कहानी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप उसे 90% ख़त्म करने के बावजूद ये नहीं जानना चाहते कि उसका अंत कैसे होता है। 1 सितंबर में जवान की एडवांस बुकिंग वाली खिड़की खुल चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात के शो हैं। जवान को लेकर मच रहे पूरे हल्ले के बीच शाहरुख खान के फैंस भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। पिंक बिला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक SRK यूनिवर्स नाम का फैन क्लब जवान के पहले दिन 300 शहरों में स्क्रीन का जुगाड़ कर रहा है। फिल्म की कहानी फास्ट 5 से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है और पता लगता है कि ड्रग हॉर्न हायन रेस की मौत के वक्त का उसका बेटा डांटे भी साथ था, जो डायनेमिक टोरेटो से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। डांटे डाम और उसके परिवार दोस्तों के लिए एक चाल बिछाता है और धीरे धीरे सब में उसे फंसाने लगते हैं। हालांकि हमेशा की तरह डॉम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आता है। इस दौरान डॉम को क्या परेशानियां सामने आती हैं, कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे धोखा देता है और सबसे ज़रूरी क्या है, उस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशन के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन देखने को मिलते हैं। फिल्म में ना सिर्फ धमाकेदार एक्शन है बल्कि जोसन मोमोआ का
ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलन के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं, जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशंस से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी इंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमाटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जोसन का ड्रेसिंग भी काफ़ी कूल लगता है, जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफ़ी बेतुकी लगती है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है। फैंस को फिल्म में एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक तरह के तोहफे मिलेंगे। 30 नवंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक झलक आपको दोबारा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर देखने को मिलती है, जिसे देखकर इस फिल्म से जुड़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ फिल्म में पॉल वॉकर की बेटी मीटू वॉकर भी एक सीन में नजर आ रही हैं। वहाँ वो जॉन सीना की मदद करती दिखती हैं। यही नहीं, फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी, लेकिन इसका अगला पार्ट भी आएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन अगले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर बीते दिनों सामने आए एक विवाद अफवाह से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी कहना स्पॉइलर होगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। या अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेंजिंग पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वही अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चार्जी के फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकार इससे जुड़ते रहे हैं। फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स के साथ इस बार लेखक निर्देशक एक्शन के साथ सनकी खलनायक को लाए हैं। फोकस पारिवारिक कहानी पर है, वही स्ट्रीट रेसिंग के लिए विख्यात यह फिल्म अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। बैर आर लुइस लेटरियर द्वारा निर्देशित फास्ट एक्स ब्रेनलेस है, यानी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं, पर हमेशा की तरह फिल्म अपने धुआंधार एक्शन से मनोरंजन करती है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस स्थित डोमिनिक टोरंटो और पर डैम के घर से उसकी पत्नी लेटी, बहन मिया और हमेशा बढ़ने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ खाने की मेज पर होती है, जिन्हें वह परिवार कहता है। इस पर परिवार में शामिल होने वाला उसका बेटा लिटिल बी और डोम की दादी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में उस समय भंग पड़ जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते रियस उनकी ज़िंदगी में दस्तक देता है। उसका मकसद डोम से प्रतिशोध लेना है और उसके परिवार को इतना नुकसान पहुंचाना है ताकि डोम को बहुत तकलीफ हो, भले ही उसके लिए पूरे शहर को नुकसान उठाना पड़े। दाते के बारे में बता दें कि यह फास्ट फाइव के खलनायक और ब्राज़ील के माफिया हर्नान का मनोरोगी बेटा है। डोम और उसके साथियों को हर्नान ने तब मार दिया होता है जब वे ब्यूनन आयर्स में विशालकाय तिजोरी को अपनी कारों के पीछे खींच कर ले जाते हैं। यहाँ पर उस सीन को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। बहरहाल प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते खड़यंत्र के तहत डोम के परिवार को रोम बुला लेता है। वह ऐसे साजिश रचता है जिसकी वजह से डोम और परिजनों को अलग अलग होने पर विवश होना पड़ता है। डोम अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है, दांते के आतंक से उन्हें कैसे बचाता है, कहानी इसी संबंध में है। निर्देशक लुइस लेटरियर ने अपने पहले ट्रांसपोर्टर सीरीज की 2 फिल्में निर्देशित की है। इसके अलावा ए इनक्रेडिबल हल्क, क्लैश ऑफ टाइटेंस और नाउ यू सी मी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फास्ट सीरीज से वह पहली बार जुड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर 2 फिल्म का प्रभाव उन पर नजर आता है। दांते के प्रतिशोध का कारण फिल्म में स्पष्ट है। वह हर मोड़ पर डोम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लिए वह केवल तकनीकी और भाड़े के लोगों पर ही निर्भर करता है। वह डोम के परिवार को चोट पहुंचाकर उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन वह उन मौक़ों को नज़रअंदाज करता है जो उनके साथ आते हैं। ऐसे में यह पीड़ा पहुंचाने में के बजाय अप्रभावी लगते हैं। बहरहाल अगर चरित्र में कमियां हो तो कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि अपने अभिनय से उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। जेसन मोमोआ उसके लिए तैयार नजर आते हैं।
दांते को निभाने के लिए उन्होंने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी शैली किरदार को दिलचस्प बनाता है। डॉम इस बार परिवार के रट लगाने नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर ना भी हो बाकी किरदार उनके बारे में बात करते दिखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर वह तेजी कार चलाते हैं, दुश्मनों को पटकनी देते नजर आते हैं। फिल्म का एक्शन रोमांचक है, खासतौर पर जब दृश्य में तांते रोम के विस्फोटक गोले को जिस तरह से पूरे शहर में घुमाता है वह एक्शन सीक्वेंस शानदार है। इसके अलावा भी कई एक्शन सीन हैं, हालांकि कई एक्शन दृश्य पिछली फिल्मों के पूर्वाभ्यास की तरह महसूस होते हैं। मसलन हाफ सैंड सॉ में हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कसी का सीक्वेंस, उसी तरह इस बार डोम दो हेलीकॉप्टर के साथ है यही काम करते नजर आते हैं। पर उसे पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव होगा। बहरहाल फास्ट एक्स की खास बात यह है कि पिछली 10 फिल्मों के पात्रों को एकत्रित किया गया है। दरअसल वह अपने पुराने किरदारों को अस्थायी तौर पर मारने का इच्छुक नजर नहीं आता। साइबर आतंकवादी सिफर के रूप में चार्लिस थेरान, डोम के लंबे समय से खोए हुए भाई जैकब के रूप में जॉन सिना, एजेंट लिटिल नोबाडी के रूप में स्कॉट स्टावुड और रॉनी शॉ के रूप में हेलन स्मिरेन सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा ब्री लार्सन को मिस्टर नोबाडी की बेटी के रूप में जोड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है तो बता दें कि विन डीजल ने पहले सूचित कर दिया है कि फास्ट फिल्में फास्ट 12 के साथ समाप्त हो सकती हैं। फास्ट एक्स के सीक्वल में ड्वेन जॉनसन की वापसी होगी, इसकी पुष्टि फिल्म के अंत में कर दी गई है। इसमें कई सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं जिनके जवाब संभवतः सीक्वल के मिलने की संभावना है। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और ख़राब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट 10 के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है, विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले कोई ऐसी फूगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही ख़त्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब अब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की 5वीं फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। यह फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और यह सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इसकी कहानी है। वहाँ उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही
आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के प्रोनालोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखे हुए है। ये कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी। इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूँ पहुँचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डॉम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है। उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली दो कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। हूवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटे व अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेस की एंट्री होती है जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट लिया तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, एक्शन सीन के मुरीद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है, समझ नहीं आ रहा क्यों।
ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है, मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की पांचवी फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस। डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हारन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक ही मकसद है, डेमनिक टोरेंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है, यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं, इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स। उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई। डेमिनिक टेरेंटो उससे 2 कदम आगे की चीज है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियां और जला देता है। एक और है, डेमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है, मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिकल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती। वो टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है, उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी बेटिकल सिटी उड़ाई जानी थी, उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं, अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है, या उन्होंने भी अपने दर्शकों को फार ग्रांटेड ले रखा है। इस फिल्म की स्टारकास्ट नंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। डीजल भाई के साथ मिशेल रेडिग्रेज, टायरीन गिब्स, लुडेक्रिस जॉन सीना, नॉटली एमिन्यूएल, सुंग कांग, ब्री लासर, चार्लीज थेरान, जेसन स्टेडम और रीटा मरेनो जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। तकरीबन इस फिल्म सबके हिस्से एक एक सीन तो हैं। सीन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, मगर ये सब लोग लिटरली इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, क्योंकि इनका काम हर सही गलत को विन डीजल को सपोर्ट करना है। जोसन मोमोआ इकलौते एक्टर हैं जो इस फिल्म में कुछ अलग करते हैं। उन्होंने दांते का रोल किया है, पिक्चर के विलन हैं। क्या मजेदार काम किया है। फुल मौज लेते हुए यह किरदार एक साइकोपैथ है जो बदले की भावना से भरा हुआ है। वो लोगों को चाकू से मारता है और चाट कर चाकू साफ कर देता है। मरे हुए लोगों के साथ बैठकर बतियाता रहता है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी उस रोल को 10 गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है, मगर वो भी फिल्म को बचाने के लिए नाकाफी साबित होता है। फास्ट एक्स बिना आत्मा वाली सीन है। इसमें ना कोई कहानी है और ना कोई इमोशनल एंगल, ना लॉजिक, ना साइंस, ना आर्ट, सब देखना है। इन खामियों के बावजूद कॉमर्स ने इसके कितने नंबर आते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी को वाकई अपना फैमिली मैटर निपटा कर जीवन में फास्ट एंड फ्यूरियस यानी फुल एंड फाइनल आगे बढ़ाना चाहिए। हो गया अभी, मगर अभी इस फिल्म का एक पार्ट और आना है जो कि 2025 में रिलीज होगा। इसलिए फास्ट एक्स क्लि हैंगर के साथ खत्म होती है, मगर इसे लेकर मन में कोई उत्सुकता नहीं पैदा होता।
किसी कहानी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप उसे 90% ख़त्म करने के बावजूद ये नहीं जानना चाहते कि उसका अंत कैसे होता है। 1 सितंबर में जवान की एडवांस बुकिंग वाली खिड़की खुल चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात के सो हैं जवान को लेकर मच रहे पूरे हल्ले के बीच शाहरुख खान के फैंस भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। पिंक बिला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एसआरके यूनिवर्स नाम का फैन क्लब जवान के पहले दिन 300 शहरों में स्क्रीन का जुगाड़ कर रहा है। फिल्म की कहानी फास्ट 5 से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है और पता लगता है कि ड्रग हॉर्न हैंड्रेस की मौत के वक्त का उसका बेटा डांटे भी साथ था, जो डायनेमिक टोरेटो से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। डांटे डाम और उसके परिवार दोस्तों के लिए एक चाल बिछाता है और धीरे धीरे सब में उसे फंसाने लगते हैं। हालांकि हमेशा की तरह डॉम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आता है। इस दौरान डॉम को क्या परेशानियां सामने आती हैं, कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे धोखा देता है और सबसे ज़रूरी क्या है, उस बार अपनी फैमिली को बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशन के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन देखने को मिलते हैं। फिल्म में ना सिर्फ धमाकेदार एक्शन है बल्कि जोसन मोमोआ का ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलन के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं, जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशन से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी इंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमाटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जोसन का ड्रेसिंग भी काफ़ी कूल लगता है, जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफ़ी बेतुकी लगती है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है। फैंस को फिल्म में एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक तरह के तोहफे मिलेंगे। 30 नवंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह चुके दिवंगत अभिनेता पॉल वॉकर की एक झलक आपको दोबारा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर देखने को मिलती है, जिसे देखकर इस फिल्म से जुड़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ फिल्म में पॉल वॉकर की बेटी मीटू वॉकर भी एक सीन में नजर आ रही हैं। वहाँ वो जॉन सीना की मदद करती दिखती हैं। यही नहीं, फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी, लेकिन इसका अगला पार्ट भी आएगा और पोस्ट क्रेडिट सीन अगले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर बीते दिनों सामने आए एक विवाद अफवाह से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी कहना स्पॉइलर होगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। या अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेंजिंग पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वही अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चार्जी के फैन हैं तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकार इससे जुड़ते रहे हैं। फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स के साथ इस बार लेखक निर्देशक एक्शन के साथ सनकी खलनायक को लाए हैं। फोकस पारिवारिक कहानी पर है, वही स्ट्रीट रेसिंग के लिए विख्यात यह फिल्म अपनी जड़ों से दूर जाती दिख रही है। बैर आर लुइस लेटरियर द्वारा निर्देशित फास्ट एक्स ब्रेनलेस है, यानी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएं, पर हमेशा की तरह फिल्म अपने धुआंधार एक्शन से मनोरंजन करती है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस स्थित डोमिनिक टोरंटो और पर डैम के घर से उसकी पत्नी लेटी बहन मिया और हमेशा बढ़ने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह के साथ खाने की मेज पर होती है, जिन्हें वह परिवार कहता है। इस पर परिवार में शामिल होने वाला उसका बेटा लिटिल बी और डोम की दादी है। उसकी खुशहाल जिंदगी में उस समय भंग पड़ जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते रियस उनकी ज़िंदगी में दस्तक देता है। उसका मकसद डोम से प्रतिशोध लेना है और उसके परिवार को इतना नुकसान पहुंचाना है ताकि डोम को बहुत तकलीफ हो, भले ही उसके लिए पूरे शहर को नुकसान उठाना पड़े। दाते के बारे में बता दें कि यह फास्ट 5 के खलनायक और ब्राज़ील के माफिया हर्नान का मनोरोगी बेटा है। डोम और उसके साथियों को हर्नान ने तब मार दिया होता है
जब वे ब्यूनन आयर्स में विशालकाय तिजोरी को अपनी कारों के पीछे खींचकर ले जाते हैं। यहाँ पर उस सीन को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। बहरहाल प्रतिशोध की आग में जल रहा दांते खड़यंत्र के तहत डोम के परिवार को रोम बुला लेता है। वह ऐसे साजिश रचता है जिसकी वजह से डोम और परिजनों को अलग अलग होने पर विवश होना पड़ता है। डोम अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है, दांते के आतंक से उन्हें कैसे बचाता है, कहानी इसी संबंध में है। निर्देशक लुइस लेटरियर ने अपने पहले ट्रांसपोर्टर सीरीज की दो फिल्में निर्देशित की है। इसके अलावा ए इनक्रेडिबल हल्क, क्लैश ऑफ टाइटंस और नाउ यू सी मी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फास्ट सीरीज से वह पहली बार जुड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर 2 फिल्म का प्रभाव उन पर नजर आता है। दांते के प्रतिशोध का कारण फिल्म में स्पष्ट है। वह हर मोड़ पर डोम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके लिए वह केवल तकनीकी और भाड़े के लोगों पर ही निर्भर करता है। वह डोम के परिवार को चोट पहुंचाकर उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन वह उन मौक़ों को नज़रअंदाज करता है जो उनके साथ आते हैं। ऐसे में यह पीड़ा पहुंचाने में कोई बजाय अप्रभावी लगते हैं। बहरहाल अगर चरित्र में कमियां हो तो कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि अपने अभिनय से उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। जेसन मोमोआ उसके लिए तैयार नजर आते हैं। दांते को निभाने के लिए उन्होंने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी शैली किरदार को दिलचस्प बनाता है। डोम इस बार परिवार की रट लगाने नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर ना भी हो बाकी किरदार उनके बारे में बात करते दिखते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर वह तेजी कार चलाते हैं, दुश्मनों को पटकनी देते नजर आते हैं। फिल्म का एक्शन रोमांचक है, खासतौर पर जब दृश्य में दांते रोम के विस्फोटक गोले को जिस तरह से पूरे शहर में घुमाता है, वह एक्शन सीक्वेंस शानदार है। इसके अलावा भी कई एक्शन सीन हैं। हालांकि कई एक्शन दृश्य पिछली फिल्मों के पूर्वाभ्यास की तरह महसूस होते हैं, मसलन हाफ सैंड सॉ में हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कसी का सीक्वेंस, उसी तरह इस बार डोम 2 हेलीकॉप्टर के साथ थे यही काम करते नजर आते हैं। पर उसे पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव होगा। बहरहाल फास्ट एक्स की खास बात यह है कि पिछली 10 फिल्मों के पात्रों को एकत्रित किया गया है। दरअसल वह अपने पुराने किरदारों को अस्थायी तौर पर मारने का इच्छुक नजर नहीं आता। साइबर आतंकवादी सिफर के रूप में चार्लिस थेरान, डोम के लंबे समय से खोए हुए भाई जैकब के रूप में जॉन सिना, एजेंट लिटिल नोबाडी के रूप में स्कॉट स्टावर्ड और रॉनी शो के रूप में हेलन स्मिरेन सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा ब्री लॉसेस को मिस्टर नोबाडी की बेटी के रूप में जोड़ा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है तो बता दें कि विन डीजल ने पहले सूचित कर दिया है कि फास्ट फिल्में फास्ट 12 के साथ समाप्त हो सकती हैं। फास्ट एक्स के सीक्वल में ड्वेन जॉनसन की वापसी होगी, इसकी पुष्टि फिल्म के अंत में कर दी गई है। इसमें कई सवाल भी अनुत्तरित रह गए हैं जिनके जवाब संभवतः सीक्वल के मिलने की संभावना है। भारतीय दर्शकों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सीरीज की फिल्मों की चमक के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की फिल्मों का अपना अलग ही क्रेज रहा है। अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं में देश में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों में इस सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो को सबसे ज्यादा प्यार मिला है। फिल्म फास्ट 10 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को लेकर दर्शकों में जो उत्सुकता रही है, उसके चलते फिल्म भी रिलीज के पहले 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर हॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन की ओपनिंग वाली टॉप 10 लिस्ट में जगह बना सकती है। लेकिन ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी सीरीज के लिए खतरे की इतनी जोरदार घंटी है कि अगर इसे विन डीजल ने अब ना सुना तो इसकी बाकी दो सीक्वल फिल्मों का हाल और ख़राब हो सकता है। इस सीरीज की पहली फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी 10वीं फिल्म रिलीज हुई है 2023 में। इसके पहले की 9 फिल्मों में से 5 फिल्में निर्देशित करने वाले जस्टिन लिन फिल्म मेकिंग में विन डीजल के लगातार कथित हस्तक्षेप से इतना परेशान हुए हैं कि उन्होंने फास्ट 10 के निर्देशन से खुद ही अलग कर लिया। फिल्म के निर्माता और लेखक के रूप में उनका नाम हालांकि शामिल है, विन डीजल इस सीरीज की तकरीबन हर फिल्म से पहले कोई ऐसी फूगा छोड़ते हैं। पिछली बार उन्होंने एक सिर्फ महिला कलाकारों की फिल्म इस फ्रेंचाइजी के तहत बनाने में अपने ख्वाब का जिक्र किया था और इस फिल्म की रिलीज से पहले उनका पटाखा फोड़ा सीरीज के फिनाले को फास्ट 10 में ही
खत्म करने की बजाय इसे दो और फिल्मों तक फैलाने का फैसला किया है और यही इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म देखने के बाद दर्शक कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि रोमांचक उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब पाठक अंत तक आए तो पता चले कि कथा का उपसंहार तो अभी भी बाकी ही है। फिल्म फास्ट 10 के तार इस सीरीज की पांचवी फिल्म से जुड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की किसी फिल्म के निर्देशन का पहली बार जिम्मा संभाल रहे हो लुई रिटेरिया जानते हैं कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जस्टिन लिन की जगह लेना आसान नहीं है। यह फिल्म देखते समय कई बार लगता भी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज के साथ क्रॉसओवर जैसा कुछ बन रहा है, और यह सही भी क्योंकि लुई को विशालकाय आकृतियों के साथ खेलने का चस्का उनकी फिल्म इनक्रेडिबल हल्क से जो लग चुका है। फिल्म फास्ट 10 उस तरीके की फिल्म है कि अब इसके दो सीक्वल बने या दो दर्जन, दर्शकों का उत्साह इस सीरीज को लेकर करीब करीब सिमटने को तैयार होता दिख रहा है। फिल्म फास्ट 10 की सबसे बड़ी कमजोरी यहां इसकी कहानी है। वहां उसमें ठूस ठूस कर भरे गए सितारों ने भी फिल्म देखने का मजा किरकिरा कर दिया है। विन डीजल ने इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस फ्रेंचाइजी के हर उस सितारे को इस फिल्म में लापटका है जिसका जरा सा भी दामन उसके पकड़ में नहीं आया है। IMAX 3D में फिल्म को देखने का अंदाज सिर्फ इसलिए है कि इसमें दर्शक बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस होते देख सकते हैं। कहानी का कोई सिर पैर नहीं है लेकिन भागती गाड़ियों से इधर उधर कूदते कलाकारों को देखने का अपना ही आनंद है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को लगातार देखते रहने वाले दर्शकों के लिए डॉम और उसके परिवार के बारे में पता ही नहीं है। अपनी सारी बदतमीजियां और अय्यारियां छोड़कर वह सुकून का पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही दिखने वाले करीब 6 मिनट के पुनरावलोकन में ये बता दिया जाता है कि फास्ट 5 में रियो के पुल में गिरा डांटे जिंदा है और अब से बस डॉम पर ही नज़र रखे हुई है। यह कुछ ऐसा किरदार है जिसे इस फ्रेंचाइजी के किरदारों के बारे में इससे दर्शकों से ज़्यादा ही पता है। बिना पिछली किसी फिल्म के कोई मुख्य किरदार निभाए मर्द जैसा वह दिखता नहीं है और किन्नरों जैसी हरकतें करने के बाद भी मामला जमता नहीं है। ब्री लार्सन ने यह फिल्म पैसे के अलावा किसी भी वजह से की होगी। समझ नहीं आता जिस कलाकार को मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपना पूरा एक ग्राफ मिल चुका हो वह इस तरह के किरदारों में अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों गिराएगी। इसका जवाब सिर्फ इस रोल के लिए मिली मोटी रकम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोम की गलियों को बर्बाद करते घूम रहे न्यूट्रॉन बम से शुरू होने वाली कहानी ब्राजील, पुर्तगाल, लॉस एंजलिस और दूसरे ठिकानों तक यूँ पहुँचती है जैसे भारतीय प्राणों में नारायण नारायण कहते हुए टाइम ट्रेवल करने वाले नारद। डॉम को अपने 8 साल के बच्चे को बचाना है। उसके मददगार साथी एक एक कर पर्दे से विदा होते भी दिखते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में दर्शक जो देख चुके हैं उसे बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि इनके निधन पर दुख मनाया उम्मीदें रखे कि ये अगली दो कड़ियों में फिर से प्रकट हो सकते हैं। हूवर डैम पर दिखाए गए विन डीजल के कल्पनातीत क्लाइमैक्स के बाद भी फिल्म बाकी है। एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का इशारा और फिल्म फास्ट 10 को अब कहानी का नहीं बस एक्शन का ही सहारा है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिल्म का हीरो विन डीजल जब अपने किशोर बेटे को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा होता है तब उसे भी नहीं पता था कि यह सबक जल्द ही उसके ही काम आने वाला है। दरअसल एक अन्य पिता ने भी अपने बेटे को दुश्मन को मारने के बजाय तड़पा कर सबक सिखाने का वादा लिया था। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है जिसे फास्ट एक्स के नाम से भी प्रचारित किया गया है। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर विफलता के बाद बॉलीवुड भले ही अब सीक्वल फिल्मों में हिट का फार्मूला तलाश रहे हैं लेकिन हॉलीवुड वाले लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जिसमें डोमिनिक टोरेटो ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूट कर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी यानी मिशेल रेड्रिक्स बेटे व अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में खतरनाक दुश्मन डांटे रेयस की एंट्री होती है।
जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह से ख़त्म करके लेना चाहता है। बेहद साते डांटे के लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म ने डायरेक्टर लुई लेटरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की जाए तो वे कई जगह हल्के पड़ रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया था। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जोनस मोमोआ ने लूट लिया तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलन के रूप में समा बांध दिया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टेथन और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर यह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, एक्शन सीन के मुरीद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 11वीं फिल्म फास्ट एक्स आई है, समझ नहीं आ रहा क्यों, ऐसी कौन सी बात थी जो कहने के लिए मेकर्स को 11 फिल्में बनानी पड़ी। फैमिली इकलौती टॉपिक है जिसके बारे में फ्रेंचाइजी बात करती है। अगर इस सीरीज की फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मरता ही नहीं। जो पिछली फिल्म में मरा वो अगली फिल्म में वापस आ जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को उसके धुआंधार लॉजिक और फिजिक्स को धता बताने वाले एक्शन के लिए जाना जाता है। फास्ट एक्स में भी वो देखने को मिलता है, मगर मसाला यह है कि सिर्फ वही देखने को मिलता है। फास्ट एक्स की शुरुआत एक चेस सीक्वेंस से होती है। पिछली फिल्म का एक जरूरी किरदार एक बार फिर से वापसी करता है। हम बताएंगे तो आप स्पॉइलर चिल्लाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। डॉम अपनी पत्नी लेटी और बेटे ब्रायन के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, मगर तभी उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक शख्स वापस आ जाता है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में इस सीरीज की 5वीं फिल्म फास्ट 5 आई थी। इसके विलन थे हारन रेयस। डॉम ने उन्हें मार दिया, उनकी सारी संपत्ति जला दी। कट टू प्रेजेंट, उन्हीं हारन रेयस का बेटा दाते वापस आ गया है। उसके जीवन का एक ही मकसद है, डेमनिक टोरेंटो और उसके परिवार की बर्बादी। अब ये सब कैसे करता है, यही फास्ट की कहानी है। ये इस फिल्म का नहीं, इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि अब की पब्लिक को बताता है कि जो डॉम पिछले 22 सालों में बनी 10 फिल्मों में किसी विलन से नहीं हारा, वो इस फिल्म में भी नहीं हारेगा। और जैसा अब इस सीरीज के मेकर्स का अप्रोच रहा, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैंस को चौंकाना चाहते हैं। इसलिए फास्ट एक्स खालिस फैन सर्विस के लिए बनी फिल्म लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की USP है इसके एक्शन ब्लॉक्स। उस मामले में फिल्म निराश नहीं करती। पठान में एक सीन था जिसे जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींच दिए थे। पब्लिक बौर आ गई थी, बोली ये क्या बात हुई, डेमिनिक टोरेंटो उससे 2 कदम आगे की चीज़ है। वो 2 हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ गिराता है बल्कि उनका गोला बनाकर 5-10 गाड़ियाँ और जला देता है। एक और है, डेमिनिक और उसका गैंग एक मिशन पर निकला हुआ है, मगर उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा सा टाइम बम रखा हुआ है। दांते उससे पूरी बेटिगल सिटी को उड़ाना चाहता है। फिल्म अपने एक्शन में इतनी मशगूल रहती है कि उसे बम की परवाह नहीं होती। वो टाइम बम पूरे रोम शहर में गुलाटियां मार रहा है, उसमें आग लग गई है मगर वो फट नहीं रहा। जिस बम से वह पूरी बेटिगल सिटी उड़ाई जानी थी, उसके ब्लास्ट होने पर एक इंसान तक चोटिल नहीं होता। मरना तो दूर की बात है, मैं ना कहता था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के मेकर्स को पता ही नहीं है कि मरने जैसी कोई चीज़ ही होती है। विन डीजल सिर्फ फैमिली करने के मामले में नहीं, अभिनय के मामले में सलमान खान के समकक्ष हैं। उन्हें पिक्चर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका कुछ करने का मन ही नहीं है, या उन्होंने भी अपने दर्शकों को फार ग्रांटेड ले रखा है इस फिल्म की स्टार।